कुछ लोग जो है बाढ़ में फंसे हुए हैं उसको यहाँ से निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है। फिलहाल आप देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पानी इतना ज्यादा है कि दिक्कत आ रही है। देख सकते हैं किस तरीके से जो एनडीआरएफ यहाँ लगातार बोट्स चला रहा है और जो लोग घरों में फंसे हुए हैं, पानी में फंसे हुए हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको फिलहाल यहाँ से निकाला जा रहा है। कितने दिन से आप लोग फंसे हुए हैं? हम लोग 3 दिन आज हो गया है सर, 3 दिन से पानी में है। गाय भी रह गया, बकरी भी रह गया, हम लोग खुद भी रह गए हैं। आज खाना खाते है ना, वही जो चावल भी भीग गया है, खाना वही चावल का बनाते हैं। अगर खराब हो गया तो थोड़ा बहुत बच्चे उच्चे को खिलाते हैं और खुद भूखे रहते हैं। पूरा क्या घर में पानी घुस गया? पूरा घर में, पूरे घुटना तक पानी है घर में भी। हमारे घर में कभी भी नहीं पानी उसमें घुसता था, आज इतना इस टाइम इतना बारिश आया ना, पानी वो सारे भीग गया। आप लोग कितने दिन से फंसे हुए हैं? घर भी गिर गया है 2-4 दिन से। इतना मुश्किल हो रहा था? मुश्किल तो इतना हो रहा था, जो जहीं पे हूँ वहीं पे रहते थे, बाहर तो निकलना मुश्किल था। घर में क्या पानी घुसा हुआ है? पानी इतना घुसा हुआ है तो घर तो है नहीं, फूस घर है वो समझो, उसमें जाना भी मुश्किल है। पूरी तरीके से बह गया, इसका मतलब बह गया है पूरा सामान, घर बार सारे कुछ। हमारा दुकान वाले घर भी चला गया, उसमें जितना भी सामान था दुकान सहित फंस गया। थोड़ा बहुत जो बचा जो ला पाए उतना पानी में, इतना में घुस के लाया। रेता बहुत चल रहा था, इतना पानी का तूफान था ना, फिर भी थोड़ा बहुत ले जो भी ले पाया लिया, नहीं तो छोड़ दिया। घर में टाट उट सारे बगल गया और उसमें जितना भी था सामान वो फंस गया। नरुआर पंचायत जो है सबसे ज्यादा प्रभावित है अगर झंझारपुर अनुमंडल की बात करें मधुबनी में। विनय जी, आप लोग इस तरीके से क्या रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चला रहे हैं? हमारा रेस्क्यू कंटिन्यू चल रहा है सर, पिछले 3 दिन से हम कंटिन्यू रेस्क्यू कर रहे हैं। जो लोग फंसे हुए उनको निकाल करके इसी प्रकार से नेशनल हाईवे जो है यहाँ पे इनका सेफ है, वहाँ पे लाला करके उनको पहुँचा रहे हैं सर। अभी बहुत सारे लोग अपने घर पर हैं, छत पर रह रहे हैं 2400 घंटे, आते नहीं है क्या? निकलना नहीं, कई लोग तो सर घर में शेल्टर लिए हुए, जो सेफ अपने आप को मान रहे हैं वो तो घर में है। जिनका जो की झोपड़ी गिर गया है, कोलैप्स हो गया है, आसपास के मकान में है, बीच बीच में सर आ रहे हैं रोड पे, या तो इलाज कराने के लिए, या तो फिर यहाँ भी जो सर टेंट लगा के लोग बाहर रोड पे रह रहे हैं, तो जो आते हैं सर उनको हम बाहर ला करके रखते हैं। कुछ राहत सामग्री मिल रही है? राहत सामग्री बाहर भी मिल रही है, अब बोर्ड से भी हम लोग जो है राहत सामग्री 2-3 दिन से राहत सामग्री बांट रहे हैं। खाना बीच बीच में ले जाकर के जो सिविल प्रशासन दे रही है उसको ले जाकर के हम गांव में बांट रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से चारों तरफ जिस तरफ भी आप नजर घुमाइए आपको सिर्फ पानी ही पानी देखने को मिलेगा। और कई ऐसे गाँव है जो की NH से काफी दूर है, काफी अंदर है, जहाँ से लोगों को निकलने में काफी दिक्कत हो रही है। सामने आप देख सकते हैं NH है, कई लोगों ने, हजारों लोगों ने वहां पे अपना आसरा बना लिया है। जो NH के पास थे वो किसी तरीके से वहां पर पहुंचे राहत शिविरों में, लेकिन बहुत सारे लोग जो 3-4 दिनों से फंसे हुए थे उनको फिलहाल आपने देखा किस तरीके से पानी में ये लोग खड़े थे, निकलने की कोशिश कर रहे थे। NDRF इनके लिए फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला रहा है, जो लोग फंसे हैं उनको निकाल कर NH तक पहुँचाया जा रहा है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और प्रहलाद के साथ रोहित सिंह, नरुआर पंचायत झंझारपुर मधुबनी।